लेकर के तैयार हुए तो आपने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, आप लोगों ने इन लोगों के वेदों को पढ़ने का काम किया, आपने मनुस्मृति को पढ़ने का काम किया, आपने पुराणों को पढ़ने का काम किया, गीता रामायण महाभारत को पढ़ने का काम किया, और इन सारे के सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपने इस देश के चालाक किस्म के लोगों से कहा, है इस देश के चालाक किस्म के लोगों, हमने तेरे सारे ग्रंथ पढ़ के देखे, और पढ़ने के बाद ये पता चला सारे के सारे ग्रंथ खोखले हैं, सारे के सारे बेकार हैं। अगर यकीन नहीं आता तो तराजू के एक पक्ष पे अपने सारे के सारे ग्रंथ रख करके देख ले, और तराजू के दूसरे पल्ले पे मेरे बाबा साहब का अकेला एक संविधान रख करके देख, तुझे पता चल जाएगा कौन कमजोर है कौन भारी है। है मेरे समाज के लोगों, इस प्रकार से जब आप लोग चले तो इन लोगों की चूल हिलने लगी, इन लोगों की जड़ें खोखली होने लगी, तो मेरे सम्मानित साथियों ये लोग थर थर कांपने लगे। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आपको कहना होगा इसका इंडिकेशन कहीं ना कहीं पीछे से आ रहा है, और जहां से आ रहा है उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आपको कहना होगा जब इस देश में राम राम वालों की सरकार बन सकती है, राधे राधे वालों की सरकार बन सकती है, कृष्णा कृष्णा वालों की सरकार बन सकती है, तो इस देश के अंदर जय भीम वालों की सरकार भी बन सकती है। मेरे सम्मानित साथियों असली जड़ यहाँ पर है, मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत से लोग अंदर से कुछ ना कुछ कुल मुलाहट पैदा होने लगी होगी कि कहीं ना कहीं ये दूसरी तरफ ना ले जाए। मेरे सम्मानित साथियों बात दूसरी तरफ की नहीं है, ये अकेला समय है, ये आखिरी समय है, 2018 के बाद 2019 के बाद तुम्हारे पास इस प्रकार से कुछ भी करने का मौका नहीं बचेगा, क्योंकि इस देश में एक नियम बनने जा रहा है, ये तो एक उसका सिम्टम है, ये तो एक लक्षण है, असली बीमारी आगे है, बीमारी ये है। अब नियम ये बनने जा रहा है कि 2022 के बाद उन लोगों को वोट का अधिकार दिया जाएगा जो 12वीं पास रहेंगे, 12वीं पास वाले लोगों से ऊपर के लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा। सम्मानित साथियों इनका उद्देश्य अपने वोटर को 12वीं पास बनाना नहीं है, पहले आप लोगों को 12वीं फेल करना है, और 12वीं फेल करने के बाद आपसे वोट के अधिकार को छीनने का षड्यंत्र है। मेरे सम्मानित साथियों मैंने संविधान में PhD की है, मैं संविधान का कीड़ा हूँ, मैं संविधान का विशेषज्ञ हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। सम्मानित साथियों एक तरफ तो नियम बनने जा रहा है कि अब वोट वो डालेगा जो 12वीं पास होगा, और दूसरी तरफ आपके समाज के बच्चों को 12वीं फेल करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या नियम बनाया इन्हीं लोगों ने, इन्हीं दोनों लोगों ने नियम बनाया, अब वोट वो डालेगा जो 12वीं पास होगा ये बनने जा रहा है, उससे पहले नियम बनाया अब पहली क्लास से लेकर के 9वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, और नंबर टू अब कोई मास्टर किसी बच्चे की पिटाई नहीं करेगा। बच्चा तो मास्टर को पीट सकता है लेकिन मास्टर बच्चे को नहीं पीट सकता। नंबर तीन नियम, दलिया खा ले, हलवा खा ले, खिचड़ी खा ले, गुड़ खा ले, चने खा ले, कुछ भी खा ले, लेकिन तुझे स्कूल में एजुकेशन मिलने वाली नहीं है। बच्चे के अंदर दो डर होते हैं, एक फेल होने का, दूसरा मास्टर के डंडे का, दोनों डर निकाल दिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस प्रकार से अगर बच्चा पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक ऐसे ही पास किया जाएगा तो उसका बेस कमजोर होगा मजबूत होगा? और जब इस प्रकार से 10वीं 12वीं का बोर्ड का एग्जाम आएगा तुम्हारा बच्चा ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इन लोगों का षड्यंत्र है, आपसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया, आपसे वोट का अधिकार छीन ले जा रहे हैं। मेरे सम्मानित साथियों देश के हित में, समाज के हित में फैसला लो, और चालाक किस्म के लोगों को ठोकर मारने के बाद
आप लोग कह दो हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम हमारा क्या संविधान बदलोगे? संविधान बदलने से पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। अरे मेरे इस्लाम के लोगों, मैं कहना चाहता हूँ निशाने नाम को बदनाम नहीं होने देंगे। बहुत हो गए हैं जुल्म, अब और नहीं होने देंगे। ऐ बाबा साहब, तेरे पाक चरणों की कसम, तेरे दामन को आंचाने नहीं देंगे। मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।